कंसेप्ट है प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन ऑफ टू गिवन प्लेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई जगह इसका यूज होता है। ये स्ट्रेट लाइन में भी, सर्किल में भी, पैराबोला में भी, अदर टाइप के जो कॉनिक्स होते हैं उसमें इस टाइप के फॉर्मूले ज्यादा यूजफुल होते हैं। 3D के अलग फॉर्मूले होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं, बट एक कॉमन फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है, कोई भी दो प्लेन है, इसके दो फॉर्म होते हैं। एक फॉर्म होता है वेक्टर फॉर्म, एक होता है कार्टेशियन फॉर्म। सपोज करो कि एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है आपका, इसके जुड़ा हुआ दूसरा प्लेन है। दूसरा प्लेन के जो ये देखिए दो लाइन अगर कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, यस सर, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अब कह रहा है कि प्लेन पासिंग थ्रू थ्रू तो इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन है ना। तो यहाँ पर ये होता है प्लेन पासिंग थ्रू दी लाइन ऑफ, इस लाइन से जो प्लेन पास करती है, एक छोटा प्लेन पास करती है, जो इन दोनों के जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उनसे ये पास करती है। तो इस प्लेन को अगर पाई वन प्लेन बोलते हैं, इस प्लेन को पाई टू प्लेन बोलते हैं, और इसको पाइथ्री प्लेन बोलते हैं। तो ये पाइथ्री प्लेन जो होती है, जो रिक्वायर्ड प्लेन होती है, ये प्लेन पाई वन प्लस लेमडा पाई टू इक्वल टू जीरो, ये आपका जनरल फॉर्मूला है। बट इसके वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में अलग अलग फॉर्मूला डिराइव किया गया है, उसको अभी सीखना है। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। इसके बाद क्या होता है कि आर इक्वल टू सॉरी आर एन वन इक्वल टू डी वन है और आर एन टू इक्वल टू डी टू है, दो प्लेन है। तो इसमें मैंने बताया था कि जो पहला प्लेन है ये आपका अगर है, ये पहला प्लेन क्या होता है, ये होगा आर वेक्टर एन वन वेक्टर माइनस डी वन। दूसरा वेक्टर क्या होगा, आर एन टू एन टू माइनस माइनस डी टू, यस सर, ये हो जाएगी। अब ये दोनों प्लेन पाई वन प्लस पाई टू लेमडा पाई टू इसको तो जीरो होना है, इसका मतलब ये आर एन वन माइनस डी वन प्लस आर एन टू माइनस डी टू, यहाँ पर लेमडा होगा तो इसको तो जीरो हो जाएगी। ये हो गया बेटा, आर कॉमन लेंगे एन वन प्लस लेमडा एन टू, यस सर, ठीक है, इक्वल टू माइनस डी वन प्लस लेमडा डी टू। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। क्लियर है? इसी में जब सर ये सर वो वाली तो पैरेललिज्म वाली कंडीशन थी ना, अगर पैरेलल है दो प्लेन। नहीं नहीं, पैरेलल परपेंडिकुलर बात अभी कर ही नहीं रहा, हम तो कह रहे हैं कि जब दो प्लेन ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं उनसे जब तीसरा प्लेन पास करती, इस प्लेन का इक्वेशन जो है इस टाइप के होते हैं इन वेक्टर फॉर्म। अब इसमें लेमडा निकालने के करीब 7-8 कंडीशन होते हैं। पॉइंट दिया रहता है, परपेंडिकुलर दिया रहता है, उसके बाद पैरेलल टू एक्सिस दिया रहता है, ये कई टाइप के कंडीशन आपको दे देंगे, या एक खास पॉइंट से इसकी डिस्टेंस गिवन होता है, मतलब 8 से 10 मान लो कि एक टर्म होते हैं कंडीशन जिससे आप इसे लैम्डा निकाल करके इस प्लेन को फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है सर। ये होता है जब ये कार्टेशियन फॉर्म हो, a1 x plus b1 y plus c1 z, ठीक है, माइनस d1, और ये पहला प्लेन है, और दूसरा प्लेन आपका है a2 x plus b2 y plus c2 z, ठीक है, माइनस d2, जीरो। इसमें क्या करते हैं, ये पहला प्लेन आपके पास है और ये दूसरा प्लेन है इन कार्टेशियन फॉर्म। अब क्या करना है आपको, जब एक प्लेन बनानी है आपको, तो ये a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z माइनस d1
प्लस लेमडा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड माइनस डी टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि बाद में इसको जो कंडीशन दिया होता है उस कंडीशन हिसाब से इनको आगे फॉर्मेट करके हम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन हमारे पास होते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 20 है, एग्जांपल 20 एनसीईआरटी में सीडी में क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। प्लेन क्या क्या दिया हुआ है, आर आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू 6, और दूसरा प्लेन है आर टू आई प्लस थ्री जे माइनस प्लस 4 के इक्वल टू माइनस 5। तो इसमें है इक्वेशन जो है इक्वेशन ऑफ प्लेन, देखो इधर पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ ऑफ टू गिवन प्लेन्स। ये बेटा हो जाता है आर एन वन, क्या बेटा हमारा आई प्लस जे प्लस के प्लस प्लस लैम्डा टू आई डी जे प्लस फोर के इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा हो जाएगा। यस सर, एन वन प्लस लैम्डा एन टू इक्वल टू डी वन माइनस लैम्डा डी टू माइनस डी टू। यस सर, अब क्या करना है, प्रोसेस को फॉर्मेट करना है। इसे पी 2 लैम्डा होगा, लैम्डा का अंदर करेंगे ये 1 प्लस 2 लैम्डा आई हो जाएगी। यस सर, 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा जे 1 प्लस 4 लैम्डा 4 लैम्डा के फैक्टर है, और ये 6 माइनस 5 लैम्डा। अब इसमें क्या होता है कि ये जो प्लेन है प्लेन नंबर 3, ये इस पॉइंट किया हुआ है 1 1 1 से पास कर रहा है, उससे वो आर वेक्टर होगा पोजीशन में। क्या होता है इस ये जो पॉइंट की वजह से आर वेक्टर जो बन जाएगी वो आई प्लस जे प्लस के आई प्लस के, ठीक है। यस सर, अब यहां पर डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे आप तो क्या होगा, ये मिटा रहा हूं आई प्लस जे प्लस के क्या यहां 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप 1 प्लस 3 लैम्डा जे कैप 1 प्लस 4 लैम्डा जे कैप इक्वल टू 5 माइनस 6 लैम्डा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप कि 1 प्लस 2 लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा 1 प्लस 4 लैम्डा डॉट प्रोडक्ट करने से आ जाती है 5 माइनस 6 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा कितना हो गया 9 प्लस 6 14 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 2 बाय 2 7 कितना हो रहा है 1/7 आएगा 1/7 हो रहा है हां सर कुछ शायद नहीं हो रहा है 1 प्लस 1 प्लस 3 ये कितना था जी बेटा यहां 6 माइनस 5 लैम्डा होगा यहां गलत कर रहे हैं हम ठीक है 9 5 14 ठीक है यहाँ पर ये 6 है हाँ सर ये 6 हो गया ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग ये जो है हमारे पास 6 है यहाँ 3 हो जाएगा बेटा 3 लैम्डा वैल्यू 3/14 हो गई 3/14 हो गई ठीक। हमने d1 d2 को थोड़ा गलत जगह प्लेस किया था इसलिए मिस्टेक हो गई। अब इनको जो है जो हमारा मेन इक्वेशन है r क्या था 1 प्लस 2 लैम्डा i 1 प्लस 3 लैम्डा ए 1 प्लस 4 लैम्डा ई और यहाँ पर था 6 माइनस 5 लैम्डा। इसमें लैम्डा की जगह जो है 3/14 सब्स्टिट्यूट करनी है और इसको जब सब्स्टिट्यूट करते हैं जो रिजल्ट आती है वो ये होती है आर 20 आई 23 जे 26 के इक्वल टू 69। तो इसको आप बिठा करके चेक कर लीजिए